हाय गाइस, देवयानीज होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रोकली रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो हेल्दी और टेस्टी भी है। ये हम ब्रोकली सूप बना रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रोकली जो मैंने 100 ग्राम से ली है, और थोड़ा सा धनिया लिया है, और 7-8 कली लहसुन की ली, और थोड़ा सा अदरक लिया है, और एक प्याज ली है। पहले हम कुकर लेंगे। कुकर में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, थोड़ा सा बटर लेके उसके अंदर प्याज डाल देंगे। इसको मैंने बटर के साथ ही ऑनियन डाल दी है क्योंकि बटर जल ना जाए, इसलिए उसको थोड़ा सौते करना है अपने को। थोड़ा हिला लेते हैं उसको। इसको हम थोड़ा सौते होने देंगे। के अंदर अब मैं लहसुन डाल देती हूँ, उसको भी थोड़ा भून लूंगी। लहसुन तो पूरा ले लिया ये था मैंने, और इसको बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है अभी से बटर से, और उससे प्याज रोल हो रही है इसलिए। अब मैं इसके अंदर अदरक और ब्रोकली भी डाल रही हूँ। ब्रोकली सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, विटामिन, इसे फाइबर और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है ये। इसके अंदर मैं धनिया भी डाल रही हूँ। ये टेस्टी भी बहुत है, और डाइट में भी चले, आप रेगुलर भी उसको पी रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये सूप। सबके लिए अच्छा ही है, हेल्थ के लिए। ये भुन चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और थोड़ा हिला लेती हूँ, और इसके अंदर मैं अब पानी डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा ही पानी डालना है कि ये बॉईल हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बस। और इसको अब अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। इसकी 2 से 3 सीटी तो बहुत हो गई, बस इसकी विसल लेनी है और फिर इसको हम खोलेंगे। इसको मैंने 3 विसल के बाद बंद कर दिया था, इसका प्रेशर पूरा निकल गया है, इसको मैं खोल रही हूँ। ये अच्छे से पक गया है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है, और अच्छे से पक भी गया है ये। इसको मैं अब ठंडा करने रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, बाद में इसको मैं पीसूंगी। इसको मैं अब ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। 5-1 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, 5-10 मिनट में, फिर मैं इसको ग्राइंड करूंगी। अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी मिक्सी बाउल में। इसको मैं अब ग्राइंड कर रही हूँ। इसका पानी निकाल दिया है मैंने, और उसके बिना कर रही हूँ, नहीं तो सब बाहर निकलेगा और उछलेगा, इसलिए। आप बॉस से भी घुमा सकते हो अगर वो हो आपके पास तो। ये मेरा पूरा पीस गया है, रेडी हो चुका है, अब इसको मैं निकाल लूंगी। इसको मैं निकाल देती हूँ, और थोड़ा बचा है जो थोड़ा सा पानी, और वो और मैं उसको फिर से घुमा देती हूँ। के अकॉर्डिंग उसको गाढ़ा या कितना रखना है उसके हिसाब से इसमें डाल देती हूँ। बहुत अच्छा स्मूद ये हो गया है एकदम। इस सूप को मैं अच्छे से अब गरम कर लेती हूँ, कि थोड़ा सा गरम गरम अच्छा लगेगा पीने में भी, और उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। जो हमने पीसा है, ग्राइंड किया है, वो सब मिक्स हो जाएगा और अच्छा फ्लेवरफुल लगेगा, इसलिए मैंने एकदम लो फ्लेम किया है। अभी ये अच्छे से गर्म हो रहा है,
और एकदम क्रीमी और एकदम थिकनेस इसकी बहुत अच्छी आ गई है, आप देख सकते हो सब कुछ डालने से बहुत टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। आप भी आपके घर में ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ब्रोकली सूप। अब मैं ये गरम गरम सूप सर्व कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये। इसको मैं फ्रेश क्रीम के साथ सर्व कर रही हूँ और इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ। ये हमारा सूप रेडी हो चुका है, इसी के साथ हमारा हेल्दी और टेस्टी सूप रेडी हो चुका है। ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।